पासपोर्ट दिखाते हैं, उन्होंने बोला वीज़ा कहाँ तुम्हारा, वीज़ा यहाँ का नहीं वीज़ा जस्ट ट्रांजिट वीज़ा, तो कंपलसरी के ट्रांजिट वीज़ा। मेरे से तो बोला कि हार्ड पेपर में ले लो, मेरे पास हार्ड पेपर नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि भाई हार्ड पेपर नहीं है मेरे पास, मैंने रिक्वेस्ट किया तो बोला ठीक है आप जा सकते हो। 1 किलोमीटर पैदल चल के आया और अब जाता है इमिग्रेशन में, उसके बाद बैग कलेक्ट करूँगा, हालत ख़राब हो गई, मैं ही नहीं हर कोई 1 किलोमीटर पैदल चल के आया। आप लोगों ने तो हेल्प नहीं किया खाना लाने में, इन लोगों को बोला भाई मुझे खाना मंगवाना है। मेरा पास क्या नाम है आपका? वेंकटेश। कितने दिन से रहते हैं यहाँ? इधर तो 3 महीने। कैसी लाइफ है यहाँ की? अच्छी है। मैंने यहाँ जितने थे सारे लगे थे, पहली बार मैं ऐसा देखा यार, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, पहली बार मैं मुंबई में ऐसा देखा हूँ 2 मिनट भी नहीं लगा और सब कुछ क्लियर, क्योंकि लाइन नहीं थी। अच्छा टाइम था यार, अच्छा दिन था। आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ ट्रैवलिंग हिंदी। सुबह के लगभग बज रहे हैं 7 और यहाँ से मैं छोटा सा ट्रेन है 2 घंटे का लेके मैं उसको निकल रहा हूँ, फिर वहाँ से बाय आबू धाबी है। सारा डिटेल्स आपको बताऊँगा, बस यही है कि वीडियो में बने रहना और प्यार देना। बस पिट्टू, ये सामान है मेरे पास, जैकेट है, ये है। तो यार कभी भी ट्रैवलिंग करो तो कोशिश करो कि बस एक छोटा सा बैग लेके, तो आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हो, मतलब कहीं भी फ्लेक्सिबल रहता है बैग, बैग रहता है तो लोचा है। जानकारी के लिए सबसे पहले ये बता दूँ, यहाँ 3 एयरपोर्ट है, 2 एयरपोर्ट है जो मेट्रो से कनेक्टेड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और 3रा एयरपोर्ट है जो मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए आपको मेट्रो लेके फिर एक बस रहती है और जो उसका किराया रहता है लगभग 250 रुपये रहता है, और वहाँ से आपको कनेक्टेड भी मिल जाएगी, फास्ट ट्रेन जाती है जिसका किराया 500 रुपया रहता है, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ये दोनों एयरपोर्ट सही है, SVO SKV, ये दोनों एयरपोर्ट अच्छा है। और सिरबीम एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा दूर पड़ता है। बाकी चलो एयरपोर्ट के अंदर ढुकते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो यार एक नॉर्मल सा रहता है, गेट से एंट्री करोगे जैसे एयरपोर्ट पे, तो एक चेकिंग रहता है, सिंपल सा बैग डालोगे। यार इंडिया की तरह नहीं है कि आप लैपटॉप वगैरह निकालो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मोबाइल वगैरह निकाल कर रख दो, बस इनफ है। और दूसरी बात कि कोई टिकट नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है, यहाँ बाकी आप डायरेक्ट यहाँ काउंटर पर जा सकते हो, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई टिकट नहीं, फिर आप आपके चेक इन काउंटर पर जाओ। सबसे पहले इंटर करते ही यार मेरा पासपोर्ट दिखाया उनको, पासपोर्ट दिखाते उन्होंने बोला वीज़ा कहाँ तुम्हारा, वीज़ा यहाँ का नहीं, वीज़ा जस्ट ट्रांजिट वीज़ा, तो कंपलसरी के ट्रांजिट वीज़ा। मेरे से तो बोला कि आप हार्ड पेपर में ले लो, मेरे पास हार्ड पेपर नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि भाई हार्ड पेपर नहीं है मेरे पास, मैंने रिक्वेस्ट किया तो बोला ठीक है आप जा सकते हो। तो कभी भी याद रखना आप हार्ड पेपर लेके आना साथ में, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ट्रांजिट वीज़ा का हो या कोई दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वीज़ा आप साथ में रखना, तो बेटर हो हार्ड पेपर में, मेरे पास तो नहीं था तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मान गए। बाकी ये पगोडा एयरलाइन बहुत चीप है और यहाँ से लगभग 5 घंटा लगेगी, और ये बहुत सस्ते में एयरलाइन मुझे पड़ी, और मेरा ट्रांजिट है लगभग फिर अबू धाबी से फिर इंडिया के लिए ट्रांजिट है ये पगोडा। सॉरी यार, एयरलाइंस पे चेक इन तो कर लिया, पगोडा एयरलाइंस थी, तो मैंने एक बैग ऐड किया था, मेरे पास ट्रॉली बैग था और एक और बैग उसमें 7-10 kg अवेलेबल रहता है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। तो यार मेरे छोटे से ट्रॉली बैग में 11 point something kg हो गया, तो मुझे कुछ कपड़ा निकाल के 10 मिनट में डालना पड़ेगा, हालांकि पुराना कपड़ा, इतना टेंशन है नहीं, पता नहीं मुझे इतना वजन कैसे हो गया। तो बस भाई बात है, मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा, बस भाई वीज़ा अबू धाबी का, UAE का वीज़ा मांगा ट्रांजिट, बस उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पूछा, उसी में टाइम लग गया मुझे। तो बस चलते हैं, सिक्योरिटी क्लियर करते हैं, इमिग्रेशन का कैसा रहता है, मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा जैसा भी रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि इमिग्रेशन में मेरे साथ क्या हुआ। तो 2 खूबसूरत लेडी थी, मुझे पकड़ा, बोला क्या कर रहे थे इतना दिन, तो मैं बोला सो रहा था, बोला तुम गर्मी में क्यों इंडिया जा रहे हो, तुम्हारा रुक जाओ, तुम्हारे पास वीज़ा है अभी। मस्ती कर रही थी, मतलब कि तुम इतने दिन रुक गया तो और रुक जाओ, गर्मी में क्यों जा रहे हो। मैं बोला अरे जा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे अब यहाँ नींद नहीं आती है, तो वो लोग हंसने लगी, मस्ती मजाक करने लगे, पहली बार ऐसा हुआ किसी ने पूछा, स्मूथ रहा, कुछ भी नहीं पूछा मुझे, बस भाई मस्ती कर रहे थे वो दोनों मेरे साथ। ऐसा कुछ था नहीं कि मैं आपको बताऊं कि कुछ पूछेगा, इंडिया आप वापस जा रहे हो तो आपसे कुछ, मेरे से क्या, किसी से भी कुछ भी नहीं पूछेगा, बस मेरे से वो लोग मस्ती करने लगे।
बस यही है, बाकी चलते हैं अबू धाबी। ट्रांजिट वीज़ा है, और किसी को ट्रांजिट वीज़ा लेना हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करना, भाई चार्ज तो नहीं करूँगा लेकिन आपको गाइड कर दूँगा मैं कि कैसे क्या करना है। बहुत टफ था, मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ ना, मैं डिटेल्स में बात करूँगा, मैं अबू धाबी पहुँच के मैं एक वीडियो बनाऊँगा मैं एज अ ट्रांजिट वीज़ा पे। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांजिट वीज़ा पे वीडियो बनाना। और मैंने कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं ख़रीदा है ड्यूटी फ्री एरिया से, और ना ही ख़रीदूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, और ड्यूटी फ्री होने के बाद भी मेरे लिए तो मैं कभी नहीं ख़रीदना पसंद करता हूँ, मेरा बजट में ही नहीं बैठता है। हाँ बस मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्या है क्या नहीं, तो आपको दिखा देता हूँ। तो बोर्डिंग चालू हो गई है, और मैं एक चीज़ स्पेशली रशिया में मैं आपको कहना चाहूँगा कि बोर्डिंग चालू हो गई, आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना कि कभी कभी यह होता है गेट नंबर चेंज हो जाता है और हमें रशियन समझ नहीं आती नहीं है। और ये जब इंग्लिश अलाउंस, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अलाउंस नहीं होता है, होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, माइक कभी कभी स्लो हो जाता तो आपके पल्ले नहीं पड़ती। मेरे पास एक बार मिस हो गई थी मेरी फ़्लाइट, मैंने कभी शेयर नहीं किया लेकिन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था कि मैं हेडफोन लगा के ऐसे बैठा था, मैंने गेट वेट नहीं देखा, मैंने सोचा चल 20-25 मिनट बाकी है। उसके बाद मैं जब उठा तो गेट नंबर चेंज, जाते जाते 5 मिनट लग गया और गेट भी क्लोज। तो मेरे साथ ऐसा केस हुआ, आप लोग ख्याल रखना, कॉन्स्टेंटली गेट नंबर चेंज हो जाता है फ्लाइट की, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। ओके मी तो यार ये लोग दो दो बार वीज़ा मांग लिए। एक्चुअली वीज़ा इसके लिए मांग रहे हैं कि हम इंडियन हैं तो हमें तो फ्री वीज़ा रहता नहीं, कि ये ट्रांजिट वीज़ा था मैंने मोबाइल में दिखा दिया सिंपल। तो याद रखना आप वीज़ा का हार्ड पेपर निकाल देना, वो अच्छा रहता है। दिया यार, एक तो साला 10 मिनट खड़ा रखा ऊपर से फिर बीच में खड़ा रख दिया। और ये है पवेदा एयरलाइंस, हालांकि बहुत सस्ती एयरलाइंस है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी है और घटिया क्वालिटी की है, अच्छा है। फाइनली निकलता हूँ, हो गया आराम से, कहीं जाना नहीं है मेरे पास, 12-14 घंटा है, तो देखता हूँ क्या करना है। पहले सबसे पहले ये बैग का इंतजाम करना होगा, कहीं रखना होगा, फिर सिटी एक्सप्लोर करेंगे, या नहीं पता नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ रशिया में तो था लेकिन यहाँ का पता नहीं, बाय बाय तो वहाँ का पता नहीं है, देखते हैं एयरपोर्ट पे अगर कुछ इंतजाम हुआ तो ठीक है। चलते, एक चीज़ तो आपको मैं बताना ही भूल गया यार, मैं किसी इंडियन को नहीं देखा ना ही किसी पाकिस्तानी को देखा, इस पहली बार ऐसा हुआ मैं कहीं फ्लाई कर रहा हूँ अबू धाबी, वो भी इतने सारे इंडियन रहते हैं पाकिस्तानी रहते हैं, किसी को नहीं देखा। उसकी प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजिट वीज़ा ऐसा होता नहीं है। तो लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ और अब जाता हूँ इमिग्रेशन में, उसके बाद बैग कलेक्ट करूँगा, हालत ख़राब हो गई। मैं ही नहीं, हर कोई 1 किलोमीटर पैदल चल के आया, अच्छा खासा था। जब से मैं, मुझे लगता है जो एंडिंग पॉइंट था वहीं पे हम लोग उसी गेट पे उतरे हैं। तो इमिग्रेशन तो ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं, ना ही कोई बंदा था ना ही कुछ, पासपोर्ट टच करो और निकलो, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब किसी ने कुछ पूछताछ वैसा कुछ नहीं, और ई वीज़ा अपडेटेड रहता उसमें तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। और दूसरी बात ये कहना था कि लैगेज के लिए भी यहाँ कुछ भी नहीं उतारा, सिर्फ बैग रखो और आ जाओ, और मैं आ चुका हूँ, अभी अपना लैगेज कलेक्ट करूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या बनता है। बाकी यही है कि पक गया यार, बहुत लंबी ट्रेन, बहुत बहुत लंबी जर्नी थी यार फ्लाइट की, 5 घंटा 20 मिनट कुछ मायने रखता है, 2 घंटे हुए। ओके गया फाइनली अपना बैग और निकलते हैं।
मैंने सोचा था कि आबू धाबी एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। उसकी 2-3 वजह है। एक तो सबसे पहली वजह ये है मेरे पास सामान है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है मॉल, वहाँ अगर जाता तो, और तीसरी बात यह है कि सही बता रहा हूँ बाहर बहुत गर्मी में जा के आया हूँ, तो थोड़ा अभी तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बस यही बात है। और अभी यहाँ मेरे पास टाइम है तो मैं दुबई के ट्रांजिट वीज़ा के रिलेटेड एकदम फुल डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ। हाँ, मैंने अभी एक काम किया है कि थोड़ा जुगाड़ लगाता हूँ। पिछली बार भी मैं यहाँ आया तो मैं कई बार मतलब एयरपोर्ट पे नहीं खाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट रहता है नियर बाई, किसी बंदे को पकड़ लिया लोकल, भाई ऑर्डर कर दे, तो मैंने ऑर्डर करवाया है यहाँ का अरबी खफसा, तो 20 दिरहम का पड़ा है, तो बस वही खाऊँगा और उसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, हालाँकि मेरे पास टाइम है, अभी भी 5 घंटे टाइम है मेरे पास, लेकिन कहीं नहीं जा रहा हूँ। बैग बहुत सारे, देखो इतना बड़ा लैगेज है, 2-2 जैकेट है उसमें, फिर ये है। मैंने गलती कर दिया यार, मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया ना तो वहाँ अगर ट्रॉली रख देता एक झमेला ही ख़त्म हो जाता। चलो कोई नहीं, मैंने खाना ऑर्डर किया था कैसे कैसे जुगाड़ करके, भाई ले आप है ना। हाँ जी, वो खाना था, हाँ हाँ, ये अभी आपने मैसेज किया ना, ये ना चलेगा। कितना है? 22। एक प्रॉब्लम है लेकिन, मेरे पास 20 दरम है और मैं रूबल दूँ थोड़ा चलेगा? पर $2 $2 का तो नहीं चलते, क्या दे दूँ? मेरे पास पैसे, मैं रूबल दे रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, देखिए ये कितना है, ये रूबल है, दो दिरहम समझ लीजिए, ऐसा आप रख लीजिएगा गिफ्ट के तौर पे। इंडियन का है? नहीं, ये रूबल है, रशियन है, ये रशिया का है। रशियन तो इस पे लेवल का नहीं चलता। इंडियन चाहिए आपको? नो, इज इंडिया। मेरे पास दिरहम नहीं है, नहीं तो मैं दे देता आपको। मेरे पास भाई, मैं उनको भाई को भी बताया अभी था, कोई प्रॉब्लम है? हाउ मच? 2 दिरहम। 2 समथिंग, 3 दिरहम्स। आई विल गिव यू, आई विल गिव यू दिरहम। ओके, नो प्रॉब्लम। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका। ओके, नो प्रॉब्लम। आप कहाँ से? बांग्लादेश। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मेरे पास 20 दिरहम थे, छुट्टे नहीं थे, दिरहम तो थे 100 दिरहम मेरे पास पड़े हुए हैं, तो दिरहम छुट्टे नहीं थे, मैंने उनको दिया और 100 रुपये दिए, मतलब लगभग मैंने उसको 60 रुपये नहीं तो कम से कम मैंने उसको 50 रुपये ज़्यादा दे दिए। चलो कोई नहीं, खाना खा लेते हैं। हाँ, आप लोग भी हो? आप लोगों ने तो हेल्प नहीं किया खाना लाने में, इन लोगों को बोला भाई मुझे खाना मंगवाना है। मेरे पास क्या नाम है आपका? वेंकटेश। कितने दिन से रहते हैं यहाँ? इधर तो 3 महीने। कैसी लाइफ है यहाँ की? अच्छी है। आप क्या बोलते हैं, कहाँ से? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इधर यार। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। आप? सुरेश भाई। क्या बोलते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे? दुबई आए काम करे लोग? काम करने के लिए। अच्छा है ना, पैसे है ना? आप क्या बोलते हैं भाई? सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है ना? मेहनत कहीं भी इंसान करेगा तो पैसा कमाएगा, सिंपल सी बात। चलो थैंक यू, दुआ में याद रखना। मेहनत तो कहीं भी, इंडिया में रहो यहाँ रहो, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है भाई? बिना मेहनत के तो पैसे है नहीं, है कि नहीं? ओके, चलो ओके। खा लेते हैं। ये लगभग मुझे 500 रुपये पड़ गए यार, यहाँ के नहीं, इंडिया के 500 रुपये पड़ गए, लेकिन ठीक है। अभी अगर मैं एयरपोर्ट पर खाता यही खाना तो मुझे 1200 से 1400 रुपये पे करने पड़े, तो कुछ तो मैंने बचाया। देखो ये सूप है, सलाद है, ग्रेवी है, सही है यार, चिकन खफसा, चटनी है, अच्छा खाना है यार, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, जो भी मिल गया। और डिपार्चर पे पक्का माहौल लग रहा है कि इंडिया जा रहे हैं यहाँ से लोग, क्या भीड़ है, अपनी इतनी पॉपुलेशन है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। हमसे बैंड बजा के रख दी, 1.5 घंटे से खड़ा करके रखा है। और सही बता रहा हूँ यार, हर जगह वही हाल रहता है अपने इंडियन का। देखो लाइन की क्या हालत है यार। मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था यहाँ से मुंबई, और लगभग मेरा 23 घंटे के बाद फिर वहाँ से मुंबई से कलकत्ता के लिए कनेक्टिंग है। तो ये लोग बता रहे हैं कि आपको लैगेज वहाँ कलेक्ट करना होगा मुंबई में, मतलब कि चेक इन चेकआउट का सिस्टम है सीधा सा। यहाँ का इमिग्रेशन का पता ही आपको कि कोई आपसे कोई सवाल जवाब पूछता नहीं, ऑटोमेटिकली आप पासपोर्ट रखो और एग्जिट हो, कोई सवाल जवाब नहीं, और वही सिक्योरिटी में सब कुछ अपना निकालो। लेकिन अच्छा है, इंडिया की तरह नहीं है कि आपके अगर बैग में चार्जर है वो भी अलग से निकालो, वो चीज़ नहीं होता यहाँ, ठीक है। विदाउट चार्जर सिर्फ बैग आप ट्रेन में रखो, बस जहाँ जाना है आप मोबाइल वगैरह, बस सिंपल से, तो अच्छा है। इंटरनेशनल ट्रिप ख़त्म हो रहा है अपना, और पता नहीं फिर मैं वापस कब ट्रैवलिंग करूँ। स्टार्ट हो गई इंडिगो की,
यार एकदम थक चुका हूँ, कल रात में भी ऐसे गुजारा और आज रात में भी नींद नहीं आएगा और फिर कल रात में भी मुझे निकलना है कोलकाता। ठीक है चलेगा, वैसे आज ही रात भर है, कल तो सारा दिन रिलैक्स कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने ले ओवर एक्चुअली मुंबई का भी मुझे वही सेम अमाउंट आता, जैसे 8000 समथिंग कुछ रुपए आया, समझो कि 8500 मैं मुंबई का भी लेता तो वही आता। तो मैंने बाया कलकत्ता किया तो कलकत्ते का भी मुझे सेम रेट में मिल गया, तो मैंने वो फ्लाइट बुक कर ली और 24 घंटा मैं मुंबई में भी रुक सकता हूँ, किसी से मिलना हो तो मिल लूँ और उसके बाद वापस से कलकत्ता चला जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं एक्चुअली कलकत्ता में रहता हूँ। तो फाइनली बोर्डिंग कर रहा हूँ। थैंक यू से झेल रहा हूँ वो, मैं जानता हूँ। 10 kg का जैकेट है कम से कम। वहाँ आया अबूधाबी तो विंडो सीट नहीं मिला था, मुझे विंडो सीट ही पसंद है। फ्रंट पे रहने का फ़ायदा क्या रहता, देखो स्पेस ना बहुत ज़्यादा है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ अच्छा है। इंडिगो का वाकई में अच्छा है, इंडिगो का मुझे कंफर्टेबल सही है। कुछ अच्छा महसूस हो रहा है यार, लाइन बहुत कम दिख रही है, बहुत लक्की लग रहा हूँ मैं, देखते हैं बाकी। और मैंने यहाँ जितने थे सारे लक्के थे, पहली बार मैं ऐसा देखा यार, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, पहली बार मैं मुंबई में ऐसा देखा हूँ 2 मिनट भी नहीं लगा और सब कुछ क्लियर, क्योंकि लाइन नहीं थी। अच्छा टाइम था यार, अच्छा दिन था और मुझे ज़्यादा घाई नहीं है कि जल्दी जाना है कहीं, लेकिन मैंने मेरे भाई को उठा दिया तो टैक्सी या ऑटो कुछ भी मारूंगा निकल जाऊंगा। ये अपना ड्यूटी फ्री एरिया, हमारी छोटी और प्यारी तो आ गई कनेक्टेड पर। सब कुछ तो हो गया, अब कस्टम क्लियर करना है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, देखते हैं कस्टम वाले क्या बात करते हैं। कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कि कस्टम पकड़ा, चेकिंग किया, कुछ रहता ही नहीं है, देखते हैं इस बार। हाँ इस बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, पहली बार मेरे पास ट्रॉली नहीं, तो ट्रॉली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, और दोबारा नेक्स्ट ट्रिप कभी भी करूँगा तो मैं ट्रॉली यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थक गया ट्रॉली के चक्कर में। तो एग्ज़िट करते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टैक्सी का होगा लेके निकल जाऊँगा, थक चुका हूँ, लैगेज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो यार फाइनली निकल रहा हूँ मैं टैक्सी करके, थक चुका हूँ मैं, और बाकी इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे दुआ में भाई, 5 मिनट गर्मी बर्दाश्त नहीं किया और कि पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ नहीं 2-4 दिन के बाद एडजस्ट हो जाएगा। बाकी दुआ में याद रखना, रखता हूँ इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।